हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आप। इसमें क्या दिया गया है कि क्वेश्चन की डिटेल जो आप पढ़ें उसमें से आपको मिलेगा कि टेम्परेचर्स जो हैं फारेनहाइट और सेल्सियस में, उनको कन्वर्ट करने, फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनाई गई है, F=9/5C+32। मतलब अगर इसमें हम सेल्सियस की वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें तो फारेनहाइट मिल जाएगा, या फारेनहाइट की वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें तो सेल्सियस, मतलब सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करने के लिए इक्वेशन बना दी गई। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है क्योंकि इसमें टू वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एफ एंड सी, बाकी कॉन्स्टेंट है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। फर्स्ट पार्ट में इसके हमें क्या करना है कि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमने स्केलिंग कर ली है, यहाँ पर जो 10 बिग सेल्स हैं, 10 स्मॉल सेल्स हैं वो 5 यूनिट हैं। स्केल लिख लीजिएगा, स्केलिंग ये फॉर एक्स एंड वाई बोथ, फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों के लिए है, एक्सेस कर देंगे प्रीवियस यूज कर रहे हैं, और इसमें लिख देंगे 10 स्मॉल सेल्स इक्वल 5 यूनिट। ओके, हाँ तो देखिएगा हम क्या करते हैं। अच्छा एक बात और कहेंगे कि सेल्सियस को हमें एक्स एक्सेस पर लेना है, एक्स एक्सेस पर सेल्सियस लेना है और वाई एक्सेस पर फारेनहाइट। मैंने यहाँ नोट कर दिया है, टेबल बनाया, सी जैसे एक्स और वाई लेते थे ऐसे सी और एफ लेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज ए पुट करनी है। तो सी की वैल्यू हमें -15 पुट की यहाँ पर, तो जब -15 पुट करेंगे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर सी के प्लेस पर, तो 5 3 15 -3 -27 + 32 दिस इज 5। तो एफ कितना मिल जाएगा 5। ऐसे ही तो सी की वैल्यू -20 पुट करेंगे तो ये 5 4 20 9 4 36, -36 + 32 दिस इज -4। तो मतलब दो क्वाड्रेंट्स हमें मिल गए, एक तो मेरा -15, 5 और दूसरा -20, -4। इनको हम प्लॉट करते हैं, -15, 5 एक्स पर -15, एक्स एक्सिस पर -15 ये हो गया और वाई पर +5 ये हो गया। दोनों को आगे बढ़ाया तो हमें ये पॉइंट मिला, ये हो गया पॉइंट -15, 5। अब -20, -4 देखते हैं, -20, -4, -4 तो 4 जो होगा ना 5 से जस्ट एक प्लेस पहले होगा, तो यहाँ से लाइन को लेकर चलेंगे और ये -20 तो ये पॉइंट मिली। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो जो ये लाइन आई है स्ट्रेट लाइन, दिस इज द ग्राफ फॉर गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, इफ सेल्सियस इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री हो तो फारेनहाइट में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए सी की वैल्यू, सेल्सियस की वैल्यू जो 30 डिग्री है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एफ इक्वल हमें मिल जाएगा। पुटिंग सी इक्वल 30 इन गिवन इक्वेशन, यहाँ 30 पुट करेंगे तो 5 6 30 9 6 54 + 32 दिस इज 86 डिग्री फारेनहाइट। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 86 डिग्री फारेनहाइट के इक्वल होता है। फिर थर्ड पार्ट, इफ फारेनहाइट अगर 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे एफ की वैल्यू 95 हम वो यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट कर दिया, सब वैसे लिखा, अब 30 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 63, इधर 9/5 9 6 डिवाइड 9 7 जो होता है 63, और 5 का मल्टीफाई हो जाएगा 5 7 35, सी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक ना। अच्छा इसका जो फोर्थ पार्ट है वो सेकेंड और थर्ड की तरह सेम है, वो आप कर लेंगे अपने आप। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ में आ गया कि क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली इक्वल हो फॉर बोथ सेल्सियस एंड फारेनहाइट, मतलब सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों के लिए सेम हो। तो मैं आपको बता दूँ, हाँ ऐसा एक टेम्परेचर है, यस देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ। हम मान लेते हैं वो जो सेम टेम्परेचर है वो एक्स डिग्री है, लेट दैट टेम्परेचर बी एक्स डिग्री, तो यानी कि एफ बी एक्स और सी बी एक्स है। नाउ पुटिंग एफ इक्वल एक्स एंड सी इक्वल एक्स बोथ इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, यहाँ एफ और सी के प्लस पर एक्स एक्स पुट कर दिया, तो यहाँ पर पहले एलसीएम ले लीजिए, तो 9x/5 था, तो 9x 5 को मल्टीप्लाई से 165 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x उधर ले जाइए माइनस का, 160 इधर ले माइनस का, ये सब्ट्रैक्ट हो गया 4x, यहाँ आएगा माइनस 4, डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड करेगा 40 -40, एक्स इक्वल माइनस, यानी -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है, अगर आप -40 डिग्री यहाँ पुट करते हैं यहाँ और यहाँ और इसको सॉल्व करते हैं तो वो दोनों तरफ आप सेम वैल्यू पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 4.4 से, इसमें क्या करना है दिया है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। y इक्वल 3, इसका हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वो भी पहला तो इन 1 वेरिएबल के लिए, फिर अगर 2 वेरिएबल के लिए। देखिए आपको बता दें, 1 वेरिएबल का मतलब तो ये हो गया कि जो y इक्वल 3 है 1 वेरिएबल में, जैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं बस वही हमें करना होता है अगर 1 वेरिएबल के लिए कहा गया है। तो y इक्वल 3 है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर 3 रिप्रेजेंट कर देंगे, वही 3 क्या डिनोट करेगा वो बताएगा y इक्वल 3 का 1 वेरिएबल का ग्राफ। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल 3
इन वन वेरिएबल इज सेम एज द रिप्रेजेंटिंग नंबर थ्री ऑन द नंबर लाइन। तो बस इसके लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर जो थ्री नंबर होगा वही लिख देंगे कि यह है वाई इक्वल थ्री। बस वन वेरिएबल में क्या करते हैं कि बस सीधे नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देना होता है। लेकिन जो ये टू वेरिएबल्स के लिए बात जब करते हैं, फॉर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इक्वल थ्री इन टू वेरिएबल्स वी हैव टू कन्वर्ट वाई इक्वल थ्री एज, पहले नंबर में क्या करना होगा, ये जो y इक्वल थ्री है इसको पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज करना होगा, क्योंकि इसके साथ x कहीं है नहीं, तो इसको हम कर सकते हैं जीरो इन टू एक्स प्लस वाई इक्वल थ्री। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं x और y के लिए। x की वैल्यू जीरो लेते हैं, अगर हम यहाँ जीरो पुट करें तो जीरो इंटू जीरो है तो जीरो ही रहेगा, तो y इक्वल क्या मिलेगा थ्री। अगर हम x की वैल्यू टू ले लें सपोज दैट, तो टू इंटू जीरो वो भी जीरो ही हो जाएगा, तब भी y इक्वल क्या मिलेगा थ्री। यानी टू पॉइंट्स हमको मिल गए, इनको अब हम लोकेट करेंगे। ठीक, तो हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। पहला कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा थ्री, तो जीरो कॉमा थ्री, जीरो यहाँ है और y का थ्री यहाँ पर है, तो यही पॉइंट हो गया जीरो कॉमा थ्री। अब चाहिए टू कॉमा थ्री, एक्स पर टू और y पर थ्री, x पर 2 ये है और y पर 3 ये, इसको आगे बढ़ाइए और इसको आगे बढ़ाइए तो ये पॉइंट मिलेगा, ये हो गया 2.3। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यही जो लाइन है ये ग्राफ होगी y इक्वल 3 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में बस ये काम होता है x एक्सिस y एक्सिस का यूज करना है, और वन वेरिएबल के लिए कहा जाए तो सिर्फ नंबर लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड फ्रॉम द चैप्टर। इसमें भी ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है, इसमें अब इक्वेशन दी गई है कि 2x plus 9 equals 0, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल भी। तो सबसे पहले वन वेरिएबल के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। 2x plus 9 equals 0 जो था, 9 इधर ले गया माइनस 9 और 2 अपॉन में आ गया, तो x इक्वल क्या मिल गया, माइनस 9 अपॉन 2, विच वी कैन राइट एज माइनस 4 अपॉन 5, 9 बाई 2 दिस इज माइनस 4 अपॉन 5। तो यानी x इक्वल हमें ये मिल गया। ठीक, और ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, और उसमें हमने ये देखा कि ये माइनस 4.5 जो है ये कहाँ पर है, ये माइनस 4 और माइनस 5 के बीच में आएगा, तो बस यही पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करेगा इसे। बस यहाँ पर जो ये x इक्वल माइनस 4.5 आया है ये मत लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था। हालांकि ये और ये दोनों एक सेम बातें हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन था इसीलिए ये लिखिए 2x plus 9 equal 0 को ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। फिर जब हम टू वेरिएबल की बात करें तो हमें इस इक्वेशन को फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, इसमें वाई नहीं था तो प्लस क्या करेंगे, जीरो इंटू वाई इक्वल प्लस 9 को 0 ऐसे बना लेंगे। अब इसके बाद टेबल जब बनाएंगे तो देखिए अभी तक क्या करते थे, x की वैल्यू लेते थे तो y फाइंड आउट करते थे, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं y के साथ 0 से मल्टीप्लाई तो y हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे, वो तो 0 ऑलरेडी हो जाएगा, इसलिए हम इस जगह पर इस कंडीशन में क्या करेंगे, y की वैल्यू उसको चूज करेंगे, y हम 0 लेंगे, तब देखते हैं x क्या आता है। y अगर 0 ले रहे हैं तो ये पूरा तो 0 है, 9 उधर गया अपॉन में 2 यानी कि माइनस का 4.5। अब y इधर 3 लेकर देखते हैं तो 0 इंटू 3 ये फिर 0 हो गया, या और फिर से x हमें क्या मिलेगा, माइनस 4.5। तो बस दो पॉइंट रली एनफ है, अब इनको हम देखते हैं कहाँ है। ये जो माइनस 4.5 कमा 0 है, इसमें y चूंकि 0 है इसलिए ये पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पर। ठीक, x एक्सिस पर माइनस 4.5 कहाँ पर है, माइनस 4 माइनस 5 के बीच में, तो एक पॉइंट ये मिल गया माइनस 4.5 कॉमा 0। और फिर ये x पर माइनस 4.5 और y पर 3, x एक्सिस पर माइनस 4.5 ये हो गया और y एक्सिस पर प्लस का 3 ये हो गया, तो इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, दो पॉइंट इस तरह मिल जाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये जो लाइन होगी ये ही होगी 2x plus y, 2x plus 9 equals 0 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू।